पाकिस्तान में मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर के अंदर प्रवेश करने का मामला अभी तक सुर्खियों में है। विष्णुपद मंदिर में हिंदू प्रवेश पर पूरी तरह रोक है, बावजूद इसके मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ गर्भगृह में प्रवेश कर गए थे। इसको लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म था। पंडा समाज के लोग लगातार इसका विरोध कर रहे थे। इसी को लेकर आज विष्णुपद मंदिर की समिति के अध्यक्ष शंभूलाल और पंडा समाज के लोगों द्वारा मंदिर में शुद्धिकरण पूजा की गई। मंदिर के गर्भगृह में विष्णु चरण के पास बैठकर पूरे विधि विधान के साथ शुद्धिकरण पूजा संपन्न की गई। विष्णु के यहाँ जो हमारे एक मुस्लिम समाज के
जो मंत्री जी आ गए थे, इसके कारण जो है लोगों में एक भावना थी कि मंदिर अशुद्धि हो गई। तो इस भावना को देखते हुए भगवान विष्णु को दुग्धाभिषेक महापूजा षोडशोपचार पूजा वैदिक रीति से संपन्न कराया गया और भगवान से यही प्रार्थना किया गया कि अगर कहीं कोई गलती हुआ हो हमारे तरफ से, हमारे समाज के तरफ से, तो पूरे विश्व को कल्याण करें और इसे क्षमा करें। यही मेरा जो है। किस प्रकार का पूजा हुआ क्या? षोडशोपचार पूजा वैदिक पूजा जो भगवान का होता है, दुग्धाभिषेक, पंचामृत स्नान, तुलसी अर्चना के सहित। कितने पुरोहित भाग लिए हैं? करीब करीब 20-21 पुरोहित थे, ग्यावाल ब्राह्मण और हमारे आचार्य। अच्छा, मंत्रोच्चारण में जो है पुरुषो सुक्त हुआ, लक्ष्मी सुक्त हुआ और पवमान हुआ, ये मंत्र जो है भगवान के। अच्छा, बैनर पोस्टर भी लगाया जाएगा बाहर में फिर से? क्या चीज़? गैर हिंदू वो सब बाद में सोचा जाएगा, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। वोट तो मेरा लगा हुआ है नॉन हिंदू का, और अगर विशेष रूप से बाहर लगाने का बात होगा तो लगाएंगे। जो मंत्रोच्चारण हो रहा था उसके बारे में थोड़ा बताइए। वो मंत्र श्री ये आपको था, ये पुरुषो सुक्त था। ओम सहस्र शीरसा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिं विश्वतो वृत्वा यत्तिष्ठ दशांगुलं। यही जो है उसका ऋचा है, ऋचा के मुताबिक जो है ये सारा वैदिक मंत्र है, इसको संपन्न कराया गया। क्या यथार्थ है इसका, मंत्र का जी? इस मंत्र का क्या यथार्थ है? इस वैदिक मंत्र से जो है भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और उनकी शुद्धि भी होती है, और भगवान का वैदिक, बिना वैदिक मंत्र का भगवान का पूजा संपन्न नहीं होता है। सर, नसीहत क्या देंगे और लोगों का अगर इस तरह का? नसीहत उनको क्या देंगे? उनको नसीहत भगवान देंगे, जैसा कि उन्होंने कहा है कि हमारे सौभाग्य हुआ तो मैं तो भगवान से कहूँगा कि उनका दुर्भाग्य हो, ऐसा नसीहत भगवान उनको दें। सौभाग्य नहीं, उनको क्षमा भगवान से मांगना चाहिए था, और मैं बिहार सरकार से मांग करता हूं कि उनको अपने पद से बर्खास्त करें। ठीक, आप तो यजमान थे।